हेलो, मैं नमन मेहरोत्रा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नॉलेज 247 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस करा रहा हूँ, जिसके मैंने आपको 9 पार्ट कंप्लीट करा दिए, आज हमारा 10वां पार्ट है। इसमें हम ट्रेन एंड ट्रेन प्रॉब्लम वाले सवाल करेंगे। मैंने आपको 5, 6, 7, 8 में भी आपको ट्रेन प्रॉब्लम वाले सवाल कराए थे, तो इसके हमारे 5वां 6वां पार्ट है ट्रेन प्रॉब्लम का। तो आपके सारे सवाल मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट करा दिए, आज एक टेस्ट के रूप में आप सवाल करेंगे सारे। फिर इसके बाद हम करेंगे चोर पुलिस वाले सवाल। कौन से चोर पुलिस वाले सवाल आते हैं उनको जरूर करेंगे हम, ठीक है? और फिर हम उसके बाद करेंगे हम पाइप एंड पिस्टन वाले सवाल करेंगे, और इसमें हम जो करेंगे फिर उसके बाद करेंगे हम बोट एंड स्ट्रीम वाले सवाल करेंगे। तो सभी सवालों को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझाऊंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबा देना है, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँचे। देखिए, मैथ में मेन चीज़ तो हमारी कैलकुलेशन है। क्या है हमारी कैलकुलेशन? अगर हमारी जितनी अच्छी होगी तो मैथ हम उतना अच्छा कर सकते हैं। अगर हमारी कैलकुलेशन अच्छी है तो हम सवाल को जल्दी निकाल सकते हैं। अगर हमारी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो हम सवाल में अगर 1 मिनट लग रहा है तो हमें 2 मिनट लग जाएंगे। कॉन्सेप्ट सबके क्लियर होते हैं, कॉन्सेप्ट सबके क्लियर क्लियर होते हैं। हम बेसिक से भी सवाल को जल्दी कर सकती हैं और उसी सवाल को ट्रिक से भी हार्ड कर सकती हैं। बस चीज़ क्या होती है, कैलकुलेशन की, ठीक है? अगर हमारी कैलकुलेशन अच्छी है तो हम सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं। मैं आपको 1 1 मिनट दूंगा, बस आपको सवाल करने हैं और इनके आंसर बताने हैं, ठीक है ना? अब देखिए, पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है, 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। क्या है? 130, 160 मीटर, 160 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है। 320 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है, स्पीड बतानी है, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो आपको 1 मिनट दिया जाएगा। सभी इसका आंसर करेंगे। चाल बतानी है आपको रेलगाड़ी की। मैं आपको बता चुका हूं, जब कोई रेलगाड़ी है जैसे हमारी, ठीक है, किसी इंसान, जैसे मान लो इंसान खड़ा है यहाँ पे, कोई इंसान है यहाँ पे कोई, या कोई खंबा है, या फिर कोई पेड़ है, जब इसे पार करती है तो ये समझिए कि ये ट्रेन है, अपनी ही दूरी को पार कर रही है। ट्रेन क्या है? अपनी ही दूरी को क्या कर रही है? पार कर रही है। मगर जब कोई ट्रेन किसी पुल को, मान लीजिए पुल है, या अपनी ही जैसी दूसरी ट्रेन, या कोई प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ये मान लीजिए वो जो पार कर रही है वो अपनी लंबाई के और दूसरी जो लंबाई है उसको मिलाकर पार कर रही है। ये चीज़ आप समझिए कि जब इन ट्रेन जब हमारी ये इंसान है और खंबा है, पेड़ को इनको हम निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये ट्रेन की मोटाई के आगे इनकी जो मोह होती है कुछ भी नहीं होती है, तो हम इसे क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। मगर जब हमारा कोई प्लेटफॉर्म आ जाए, और प्लेटफॉर्म तो ट्रेन से बड़ा होता है, तो उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। कोई हमारा पुल भी हमारा ट्रेन से बड़ा होता है तो उसको भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, या कोई हमारा दूसरी ट्रेन है उसको भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो उसमें क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है? बस यही समझना है। अब हमें देखिए, यहाँ पे 160 मीटर तो लंबी ट्रेल है, तो रेल की लंबाई कितनी है, 160, और वहाँ पर आपके प्लेटफॉर्म जो है आपका वो 320 मीटर है। कितना है? 320 मीटर। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे जुड़ जाएंगे, 0, 6, 2, 8, 3 और 1, 4, तो टोटल हो गया 480। कितना हो गया? 480 हमारा हो गया टोटल, दूरी हो गई मैंने 480। अब उसे 480 मीटर की दूरी क्या करनी है, तय करनी है डिस्टेंस। अब पर उसकी जो समय ले रही है 36 सेकंड, मतलब 480 को तय करने में 36 सेकंड ले रही है, तो उसकी चाल बतानी है। तो 36 सेकंड को हमें क्या बदलना पड़ेगा, या तो आप ऐसा करिए, इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, स्पीड हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस होगी 480,
और उसका टाइम हो रहा है 36 सेकेंड। अब इसे किस में बदलना है हमें? अब हमारे आंसर जो दे रखे हैं सारे किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखे हैं। किस में दे रखे हैं? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मैं आपको बता चुका हूँ जब मीटर से मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाते हैं तो हमें कितने का गुणा करना पड़ता है? मीटर से किलोमीटर, छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो 18/5 का। कितने का? 18/5 का। तो हम क्या कर देंगे इसमें 18/5 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 18 × 2 = 36 हो गया। 2 से कितने कट गया? 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 0 = 5, 5 से कितने कट जाएगा? 5 × 6 = 20, 5 × 8 = 40। तो हमारी आ गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, एक मिनट का समय मिलेगा आपको, सभी इसका आंसर करें। सभी इसका आंसर करें, जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान रखें और इसका आंसर दें सभी। देखिए आपका समय पूरा हो गया, अब देखो कैसे करेंगे इस सवाल को, बहुत आसान है। अब हमें क्या निकालना है? पुल की लंबाई निकालनी है। क्या निकालनी है? पुल की लंबाई। इसमें मगर 130 मीटर तो आपकी रेलगाड़ी है, जो रेलगाड़ी है आपकी वो कितनी है? 130, ठीक है, और वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो आप चीज़ सबको समझिए, यहाँ जो डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस बराबर होता है आपका स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो आप एक चीज़ समझिए, जो डिस्टेंस आएगी क्या आएगी? डिस्टेंस आएगी जो आपकी, वो आपकी रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई ही तो आएगी। जो आपकी डिस्टेंस आएगी वो रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर आएगी। अब रेल की लंबाई तो आपकी 130 है, हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई पता नहीं है, तो मैं प्लेटफॉर्म की लंबाई x मान लूँगा। क्या मान लूँगा? x मान लूँगा। और जो मेरी स्पीड है वो कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे किस में बदलना पड़ेगा मुझे? 45 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में। और उसके बाद मुझे क्या निकलेगा? टाइम दे रखा है 30 सेकंड। तो मैं इतने सवाल निकलेगा, समझ में आ गया होगा आपके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है उसको किस में बदल देंगे? मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 45, 5 × 2 क्या हो जाएगा? 18। तो 9 × 5 = 45/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 45/2। यहाँ से हमारा आ गया 45/2, याद रखेंगे, ठीक है। क्या आ गया? 45/2 मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस मतलब 130 प्लस एक्स जो हो गए प्लेटफॉर्म की, और 45/2 टाइम हो गया 30 सेकेंड। 2 से कितने कट गए? 15 बार। 15 × 45 में गुणा, 15 × 5 = 75, 5 हाथ से लगा 7, 15 × 4 = 30 और 7 = 37। 375 में से क्या माइनस कर देंगे? 130 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया हमारा? 375। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 5 में से 0 = 5 बचे, 7 में से 3 = 4 बचे, 3 में से 1 = 2। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 245 मीटर। कितना आएगा? 245 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस चीज़ को आप और अच्छे तरीके से कैसे समझ सकते थे? देखिए उसकी स्पीड कितनी है? 45/2 कितनी है? 25/2 क्या है? 25/2। और वो कितने सेकंड तक चल रही है 25/2 की स्पीड से? 30 सेकंड तक। कितने सेकंड तक चल रही है? 30 सेकंड तक। तो कितने चल गई वो? 15 से 25 तक, 375 चल गई। कितनी चल गई गाड़ी हमारी? 375 चल गई। और चली किसके बराबर होगी वो? अपनी ही लंबाई के बराबर। एक तो अपनी ही लंबाई ट्रेन की खुद की, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब ट्रेन की लंबाई तो खुद ही रखी है कितनी? 130। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी बची उसकी? 245। कितनी बची? 245। इस चीज़ को इस तरीके से भी आप अच्छे से समझ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है। सभी इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको प्रैक्टिस करनी है जल्दी से, एक मिनट मिलेगा आपको इसके लिए, सभी इसका आंसर करेंगे।
सभी इसका आंसर करें, जल्दी से आंसर निकालें। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, अब हमने ट्राई कर लिया होगा, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए क्या कह रहा है इसमें। इसमें कह रहा है एक रेलगाड़ी है कोई, ठीक है, 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है, कितने सेकंड में, 14 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में, मतलब ट्रेन जो है खुद को 8 सेकंड में पार कर रही है, क्यों कर रही है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में, सॉरी, तो प्लेटफॉर्म पर आदमी खड़ा है उसे 10 सेकंड में पार कर रही है, मतलब वो खुद को पार कर रही है। मैं आपको ये चीज़ समझा चुका हूँ बहुत बार कि जब कोई ट्रेन है वो कहे कि हम आदमी को पार कर रही है, खंभे को पार कर रही है, पेड़ को पार कर रही है, तो वो खुद को पार कर रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपकी जो ट्रेन है खुद को पार कर रही है 10 सेकंड में, कितने सेकंड में पार कर रही है, 10 सेकंड में, और जो ट्रेन है 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है वो 14 सेकंड में, तो जो 4 सेकंड में वो कितना चल रही होगी, 4 सेकंड में 50 मीटर कितना चल रही होगी, 50, तो 4 सेकंड में 50 चल रही है, तो 1 सेकंड में कितना चल रही होगी, 50/4, क्योंकि चाल होती है प्रति सेकंड चलने वाली, हमारी जो टाइम होता है वो चाल होती है, ठीक है ना। अब आंसर किस में निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए क्या क्या करेंगे, 18/5 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि किलोमीटर हमारा क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ा हमारा होता है तो 18/5, मीटर में निकालना हो तो मीटर हमारा छोटा होता है तो 5/18, ये चीज़ अब आपको याद हो गई होगी, तो काट लीजिए 5 से 10 बार कट गया आपका, 2 × 4 दो आपका 9 बार, 2 × 5 = 10, 9 × 5 कितना आ गया 45, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार कर जाती है, वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, सभी इसका आंसर करेंगे। सभी इसका आंसर करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सिंपल है, सभी इसका आंसर करें। देखिए कैसे होगा, बहुत आसान है, देखिए इसमें क्या करना है, हमें कोई रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी है वो 24 सेकंड में पार कर जाती है, तो हमें क्या निकालना है, इसकी स्पीड निकाल लेंगे, यहाँ से क्या निकाल लेंगे, स्पीड 240/24, तो 10 मीटर पर सेकंड क्या आ गई, उसकी स्पीड आ गई। अब 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, ये पूछ रहा है, तो अब टाइम निकालना है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 650/10, तो 65 आ जाएगा इसका, कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, 65 सेकंड में क्या कर लेगी, पार कर लेगी, और 65 तो कोई ऑप्शन में है नहीं। एक बार देखिए, 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 240 मीटर लंबी है कोई रेलगाड़ी है, 24 सेकंड में पार करती है, ठीक है, तो हमारा आ गया 10 मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या निकालना है, लंबे प्लेट कितने समय में पार करेगी, जो ट्रेन की टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस आपकी हो गई 650, सॉरी सॉरी, डिस्टेंस आपकी 650 नहीं होगी, जो डिस्टेंस होगी आपकी
वो प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की दोनों की लंबाई के बराबर होगी, क्योंकि ये चीज़ तो आपको बता चुका हूँ, 650 प्लस 240, बस इसी में गलती हो जाती है हमारी, 0, 5, 4, 9, 6, 2, 890 होगी, कितनी होगी 890, बटा क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 89 मीटर 89 सेकंड, हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। दो ट्रेन है चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और शाम 6:30 पर चलती हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए 3-4 क्वेश्चन इस तरह के लेकर आया हूँ मैं आपको। दो ट्रेन है चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और शाम 6:30 पर चलती हैं और उनकी चाल जो है 60 और 75 है, दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी दोनों ट्रेनें मिलेंगी। सभी करिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा। एक मिनट मिलेगा पूरा आपको इस क्वेश्चन के लिए। सभी इसका आंसर करें। एक मिनट पूरा मिलेगा आपको, आपका टाइम पूरा होने वाला है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बहुत अच्छे से तरीके से समझेंगे इस क्वेश्चन को। दो ट्रेन है आपकी, क्या है, दो ट्रेन, ठीक है ना, ये आपका मान लीजिए चंडीगढ़, ये आपका दिल्ली है, वही आपका क्या है चंडीगढ़ है, ठीक है। चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम को 6 बजे और शाम 6:30 पे चलती है, दो ट्रेन है, एक चल रही है 6 बजे, दूसरी चल रही है 6:30 बजे, मतलब आध घंटे लेट चल रही है, और पहले की स्पीड है 60, क्या है स्पीड 60 है, दूसरी की स्पीड है 65, और दोनों के बीच की हमें दूरी निकालनी है, ठीक है, कितने दूरी पे मिलेंगी ये चीज़ निकालनी है हमें, ठीक है ना। अब समझिए सवाल को, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन है आपकी सेम है, क्योंकि वो भी दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही है, दूसरी भी आपकी दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही है, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को समझिए आप, अब ये है कि मतलब वो पहले वाली ट्रेन है आध घंटे पहले निकल रही है, कितने पहले निकल रही है आध घंटे, तो मतलब वो आध घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, आध घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, 30 किलोमीटर, क्योंकि उसकी चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जो 6 बजे निकल रही है 6:30 बजे तक वो कितनी पहुँच जाएगी, 6:30 बजे तक वो यहाँ पहुँच गई 30 किलोमीटर, कितनी पहुँच गई 30 किलोमीटर यहाँ पहुँच गई, ठीक है, 6:30 बजे तक, 6 से 6:30 बजे तक 30 किलोमीटर पहुँच गई वो। अब जो उस दूसरी वाली ट्रेन है फिर चलना उसने स्टार्ट किया, तो पहले तो उसे अब उसको 60 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 60 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा, तो उसकी स्पीड कितनी है 75 है, कितनी है 75 है, उससे कितनी ज़्यादा है पहले ट्रेन से, 15 ज़्यादा है, 15 वाली 15 ज़्यादा है, तो मतलब उसकी जो स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा, कितनी 15 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। अब आप समझिए पहली वाली ट्रेन की स्पीड है 75, दूसरी वाले की 60, ये चीज़ समझ लीजिए आप, ठीक है। अब उसे 30 किलोमीटर कंप्लीट करना है, कितना कंप्लीट करना है 30 किलोमीटर, और कितनी ज़्यादा है 15 ज़्यादा है, तो 2 घंटे में कवर कर लेगी, कितने घंटे में कवर कर लेगी 2 घंटे में, अब 75 दूनी कितना होगा 150, हमारा आंसर कितना आया 150 किलोमीटर, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वो समझ में आया हो बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह कही 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशन ए और बी हैं, एक रेलगाड़ी ए से 10 बजे चलती है बी और बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है, दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 10 बजे ही बी से ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, वह किस समय मिलेंगी। चलिए सभी सवाल को करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए सवाल को समझिए, बहुत अच्छा सवाल है। दो स्टेशन है ठीक है, 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशन है। कोई ट्रेन ए है और ये स्टेशन बी है ठीक है। एक रेलगाड़ी ए से चल रही है 10 बजे, कितने बजे? 10 बजे चल रही है वो, और कितनी स्पीड पर चल रही है? बी की ओर चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, कितने? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 10 बजे, उसी दिन प्रातः 10 बजे एक ही ओर चलती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है। तो कह रहा है वह किस समय मिलेंगे, तो दोनों की जो स्पीड हो जाएगी प्लस हो जाएगी, क्योंकि दोनों की अलग डायरेक्शन है, इसकी ये है इसकी ये है, तो दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और उनकी दूरी कितनी है? 100, तो 100 बटा 50, और 2 घंटे बाद वो मिल जाएंगी। 2 घंटे बाद क्या हो जाएगा? मिल जाएंगी। और चल कितने बजे रही? 10 बजे, तो 12 बजे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो स्टेशन है हमारे ए और बी, जो कहता जा रहा है वो करते जाएंगे हम। ए और बी दो स्टेशन है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 110, कितनी? 110 की दूरी पर है ठीक है। एक रेलगाड़ी ए है, कौन सी? ए जो है प्रातः 7 बजे बी की ओर चलती है, 7 बजे बी की ओर चलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितने? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। वही दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन 8 बजे चलती है बी की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो किस समय मिलेंगी? आप एक चीज़ देखिए, वो 1 घंटा लेट चल रही है, मतलब 1 घंटा जो है वो लेट चल रही है, मतलब वो 1 घंटा यहाँ से यहाँ आ गई होगी, 20 किलोमीटर वो यहाँ आ गई होगी 1 घंटा बाद ठीक है। अब दूरी कितनी बची? 90 बची, कितनी बची? 90 बची। अब 90 की दूरी को अब वो दोनों कितने समय में पार कर लेंगे? 20 उसके 25 उसके 45, 2 घंटे में पार कर लेंगे, कितने घंटे में? 2 घंटे में। 8 बजे चल रहे हैं वो, कितने मिल जाएंगे? 10 बजे। बहुत आसान सवाल है, डायग्राम से समझिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा आपके, जिसके समझ में नहीं आए वो एक बार वीडियो को रीलोड करके देख सकता है ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्तियों अपनी दिशा में, तो अपनी दिशा में 40 उसकी है 4 उसकी, माइनस हो जाएगी 36 हो जाएगी, क्योंकि अपनी दिशा है ठीक है ना। और हमें निकालना क्या है? समय, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 300, स्पीड होगी 36। 36 को किस में बदल देंगे? हम बदल देंगे मीटर पर सेकंड, मतलब 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 × 2 = 36, 2×5 = 10 हो गया, 30 सेकंड हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान सवाल है, अब आसानी से आप कर सकते हैं। लास्ट सवाल है आज का, एक और इसके बाद एक रेलगाड़ी है 150 मीटर लंबी है, कितनी? 150 मीटर लंबी। निकालना क्या है हमें? समय, टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस ऊपर आएगी बटा क्या आ जाएगा भाई? 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है अपनी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर। अब क्या विपरीत क्या होगी? दिशा हो गई ठीक है। अपनी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? अब दिशा क्या हो गई उसकी? विपरीत हो गई। वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है अपनी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? अगर दिशा विपरीत हो गई उसकी तो कितना हो जाएगा? 60, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 60 को किस में बदल देंगे हम? मीटर पर सेकंड में। किस में बदल देंगे? मीटर पर सेकंड में। तो क्या हो जाएगा? 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से 6 बार, 10 से 3 बार, 6×5 = 30/3, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 से 6 बार, 10 से 3 बार नहीं कटेगा, 6 से 10 बार कटेगा ये, और 6 से 3 बार, 10×50/3 आ जाएगा। कितना? 50/3, 3 का चला जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा 50 से 3 बार, 3×3 = 9, 9 सेकंड में पार कर लेगी। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। कितने सेकंड में पार कर जाती है? 9 सेकंड में। दूसरी रेलगाड़ी की चाल बतानी है। बहुत आसान सवाल है ये भी, ये मैं आपके होमवर्क के लिए देता हूँ ये सवाल, इसका सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में करना है ठीक है। ये सवाल आपके होमवर्क के लिए, देखते हैं कौन कौन इसके सही आंसर कर पाता है। तो ये था हमारा आज का पार्ट 10। कल हम जो करेंगे चोर पुलिस वाले सवाल करेंगे,
फिर उसके बाद हम करेंगे बोट एंड स्पिन, फिर हम पाइप एंड क्रिस्टन भी लेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।